आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। जी हाँ, बिहार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 36.5%। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 60%। जी हाँ, 60% क्षेत्र पर खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। जी हाँ, कितने जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 86%। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 80%। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। जी हाँ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1955 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1955 में। जी हाँ, 1955 में कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ऑप्शन ए बेतिया, ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी छपरा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर। जी हाँ, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर पर निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोहतास। जी हाँ, रोहतास में सबसे अधिक नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। जी हाँ, कुशेश्वर स्थान किस जिला में, बिहार के किस जिला में स्थित है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी दरभंगा में, ऑप्शन सी बेगूसराय में, ऑप्शन डी भागलपुर में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दरभंगा में। जी हाँ, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अभ्रक जो बिहार और झारखंड में सबसे अधिक है वह कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार और ऑप्शन डी 6 प्रकार। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 प्रकार। जी हाँ, अभ्रक 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। जी हाँ, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमुई और ऑप्शन डी साहेबगंज। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भागलपुर। जी हाँ, भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ था। जी हाँ, भारत की पहली चीनी मिल बिहार के किस जगह पर कब और कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 1840 में मवतिया में, ऑप्शन बी 1840 में रोहतास में, ऑप्शन सी 1940 में पटना में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1840 में मोबीतिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, अर्थात बिहार की पहली रेल लाइन का नाम क्या थी। ऑप्शन ए मार्टिन लाइन रेलवे, ऑप्शन बी
ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन सी भारत रेल, ऑप्शन बी बिहार रेल सेवा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में कांटी तापीय विद्युत परियोजना